लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं रिदा से शादी नहीं करना चाहता। आप खामोश हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात करती हूँ। हमारी रिदा में कौन सी कमी है कि तुमने शादी से इनकार कर दिया? रिदा में कोई कमी नहीं। तो फिर तुमने इरादा क्यों बदल दिया? बात दरअसल ये है, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। जो मेरा इंतजार कर रही है। अगर तुम पहले से उस लड़की का हाथ थामना चाहते थे तो तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? और तुमने रिदा के साथ एंगेजमेंट क्यों की? मैं अपनी वालदा की इज्जत के आगे मजबूर था। और अब क्या बात होगी? मैं उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता। और रिदा को धोखा दे सकते हो? उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हो? हमें बदनाम कर सकते हो? हमारी इज्जत खाक में गिरा सकते हो? देखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। मेरी अब तक रिदा से शादी नहीं हुई। मैं आज और अभी ये रिश्ता तोड़कर जा रहा हूं। इतने बड़े खानदान के होकर, इतनी इज्जतदार माँ की औलाद होकर ऐसी गिरी भी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अच्छा हुआ कि शादी से पहले तुम्हारी औकात पता चल गई, वरना अगर शादी के बाद तुम ये हरकत करते तो शायद मेरी रिता खुदकुशी कर लेती और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। चले जाओ यहाँ से। बेगम, क्या रिदा जिंदगी भर खुआरी रह जाएगी? या अल्लाह, शायद खुदा हमसे नाराज है। शायद हमारी और हमारी बेटी की किस्मत को ये लिखा है। जैसे आपकी मर्जी। मेरी बात याद रखना, मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा कर नहीं जा रहा हूं। आप मुझ पर इल्जाम लगाए ना लगाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूं तुमने मेरे अम्मी अबू से मेरी जी भर के बुराई की होगी और अपने जाने की वजह भी मुझे ही ठहराया होगा। रिदा, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन खुदा गवाह है, मैंने यहां से जाने का सारा इल्जाम खुद अपने सर ले लिया है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे यहां से जाने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें गलत समझे या तुम्हें कसूरवार ठहराए। यहां तक कि अभी भी तुम्हारी अम्मी जान ने मेरे गाल पर तमाचा भी रसीद कर दिया, लेकिन उसे मैं उनकी दुआ समझ कर ले जा रहा हूं। तो हां, जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। ताहा बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है, उसे ठुकरा के नफरत करके तुम बहुत पछताओगे। चलता हूं।
खुदा हाफिज। मैंने फरदीन के साथ अच्छा नहीं किया। क्या बात है मैडम, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ वाहिद, हम फरदीन के बारे में सोच रहे थे। क्या हुआ फरदीन साहब को? अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, लेकिन होते होते रह गया। नासिर ने सही कहा था। क्या मतलब? मुस्तफा खानदान के बारे में हमें पहले से ही शुबा था। हमें महसूस हो रहा था कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। फरदीन ने रिदा के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, वो वापस आ रहा है। क्या रिदा ने कोई हिमाकत की जो फरदीन साहब ने रिश्ता तोड़ दिया? उनेजा घर छोड़कर चली गई और रिदा भी आदत से अच्छी नहीं। चलो अच्छा हो, अल्लाह ने हमें और हमारे बच्चे को उस घर की बुराइयों से बचा लिया। फरदीन के लिए एक से एक खूबसूरत और नेक लड़की मिल जाएगी। एक बात कहूं मैडम? फरमाइए। फरदीन साहब का एक लड़की से इश्क चल रहा है, आप उसे देख लीजिए। अगर उसका खानदान अच्छा है और वो लड़की नेक है तो आप बिस्मिल्ला कर दीजिए। हाँ भाई, हम उस लड़की से जरूर मिलेंगे और अगर हमें वो लड़की ठीक लगी तो फरदीन की शादी उससे करके अपने फर्ज से अदा हो जाएंगे। गुस्ताखी माफ हो मैडम, उसके बाद भी आपका एक फर्ज अदा करना और रह जाएगा। मैं आदिल साहब के लिए बात कर रहा हूँ, आपका छोटा बेटा। ठीक कह रहे हो वाहिद मियां, वो भी हमारा नेक और प्यारा बच्चा है, हम उसके फर्ज कैसे भूल सकते हैं। पढ़ाई के सिलसिले में वो अमेरिका में है, बहुत ही जल्द वापस आएगा। वैसे उनका आना कब होगा? इंशाल्लाह अगले महीने तक। पढ़ाई खत्म करके वो वापस आएगा हमारे पास। हेलो। हेलो रिदा, एक जरूरी बात सुनो। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करो, बल्कि मैं क्या कहना चाहती हूँ ये जानने की कोशिश करो। आप कहना क्या चाहती हैं? अली यावर के मरहूम बेटे हारिस का प्रोजेक्ट जो अब ताहा के हाथ में, जो अब तक शुरू नहीं हुआ, तुम इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहती हो, राइट? इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो क्यों नहीं सोचा? वो बार बार तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। देखो अब तुम्हें भी खुल के मैदान में उतरना चाहिए और उसकी हर बात का जवाब देना चाहिए, वरना कौन जाने इस बार वो कौन सी हरकत कर दे। लेकिन ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं? इसमें आपका क्या फायदा है? हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। हाँ, अली यावर का नुकसान जरूर है। याद करो अली यावर की मुस्तफा साहब के साथ दुश्मनी। उस दुश्मनी से इंतकाम लेने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। याद करो अपनी बहन की जुदाई और मुस्तफा साहब की बीमारी। भूली कब थी जो उन बातों को याद करो? वो बातें मेरी जिंदगी का नासूर है। तो हाथ पे हाथ धर के बैठी क्यों हूँ? कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि ताहा के खानदान को चोट पहुंचे और तुम्हारे दिल को सुकून। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? छीन लो उनकी हर वो खुशी जिसपे अली यावर का खानदान नाश करता है। मैं समझ गई। आपने निकात परवीन के यहाँ जाकर अली साहब के घर वालों की बुराई क्यों की? क्यों, तुम्हें क्या परेशानी? आप जानते हैं
कहाँ मेरा से प्यार करता है, वो उसे शादी करना चाहता है। और मैं ये चाहता कि ताहा और वीरा की शादी। क्यों, इसमें आपका क्या फायदा होगा? जिस तरह मैं अपनी बहन की याद में तड़पा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ताहा रीदा की याद में उसी तरह तड़पे और एक दिन तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दे। मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ताहा के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्यों, ताहा से तुम्हारी क्या हमदर्दी? ताहा मेरी इज्जत करता है, मेरी हर परेशानी में काम आता है। जब घर में मेरे साथ जुल्म होता है तो वो मेरी हिमायत लेता है। तुम अभी भी उन लोगों को समझ नहीं पा रही। वो उस औरत की औलाद है जिससे इंतकाम लेने के लिए तुम उस घर में दाखिल हुई थी, उसे उस घर से निकालने का मंसूबा बना कर गई थी। वो सपोला है, वो कभी भी तुम्हें डंग मार सकता है। बेशक मैं अपनी सास से हारिस की मौत का इंतकाम लेने आई हूँ, लेकिन उस घर में जो मेरे हमदर्द है, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारे इरादे को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं उस घर को तबाह बर्बाद करके रहूंगा और इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। अगर मैं आपका साथ देने से इनकार कर दूं तो? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी सास ही तुम्हारे शौहर के कातिल है। तुम्हारे शौहर और बेलार की खातिर तुम्हें अपनी सास से इंतकाम लेना ही होगा। और अगर इस काम में तुम्हारा ससुर भी आड़े आए ना, तो तुम्हें उसे भी सबक सिखाना होगा। नहीं, वो मेरे वालिद की हैसियत रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी नाकदरी कभी नहीं कर सकती। अबीर, तुम इस वक्त जज्बात से काम ले रही हो। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अली आवर का खानदान तुम्हारा और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो लोग तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम हाथ मलती रह जाओगी और हम दोनों का मकसद अधूरा रह जाएगा। देखिए, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। चलती हूँ, खुदा हाफिज। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हारिस का प्रोजेक्ट डीले क्यों हो रहा है। वो प्रोजेक्ट हमारी वजह से नहीं बल्कि अली साहब की वजह से डिले हो रहा है। अगर वो कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही तो फिर दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए। अली साहब की तरफ से जवाब मिलने पर ही हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि अली साहब किस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले कर रहे हैं? अभी उनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट आना बाकी है। आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितना वक्त देते? 3 महीने का। तो क्या आप ये नहीं जानते कि अली साहब के प्रोजेक्ट की फाइल आपके ऑफिस में आए 3 महीने से ज्यादा हो चुकी है? उन्होंने 1 महीने का टाइम और मांगा है। आपने किस बेस पर उन्हें ये टाइम दिया है, बोलिए, जवाब दीजिए। वो क्या है कि शायद आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। जवाब मैं देती हूँ। हो सकता है कि अली अवर साहब ने आपको रिश्वत दी है। जी नहीं, ये आपका वहम है। मैं ऐसे कालात का आदमी नहीं, मैं कायदे कानून के दायरे में रहकर ही काम करता हूँ। अगर आप कायदे कानून में रहकर ये काम करते तो अली अवर साहब को खामखा 1 महीने की रियायत नहीं देते। बोलिए, कितनी रिश्वत दी है उन्होंने? मैं आपको दुगनी रिश्वत दूंगी, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं मैडम, मैं रिश्वतखोर आदमी नहीं हूँ, समझिए आप। उनके डॉक्यूमेंट आते ही फाइल कंप्लीट करके आगे बढ़ा दी जाएगी। ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए हर हाल में, और मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करके रहूंगी। अगर आपने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं मीडिया से कहूंगी कि इसमें कोई घपला है। फिर आपको ही नहीं, आपके पूरे डिपार्टमेंट को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, समझे आप? हेलो ताहा साहब, मैं माधवानी बोल रहा हूँ। हाँ माधवानी साहब, बोलिए। हारिस के प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्या सोचा है, उसे कब शुरू कर रहे हैं आप? हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है,
वैसे आपने ही उसकी प्रोग्रेस रोक रखी है। वैसे अचानक आज इस बारे में आपने कैसे फोन कर लिया? हमारे पास रिदा आई थी, उन्होंने हमें धमकी दी है। कैसी धमकी? वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हैं। अगर ये प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला तो ये बात मीडिया तक पहुंचा देगी। आप फौरन जवाब दीजिए उसका। जी बेहतर है। रिदा, रिदा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिदा, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या बात? पेपर में जो कुछ भी छपा है वो मैंने नहीं छपाया। सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो रिदा, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हो, मुझे दुनिया में बदनाम करना चाहते हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो, भला मैं तुमसे दुश्मनी क्यों निकालूंगा? झूठ है, बकवास है। जब तुमने मेरी छोटी बहन को नहीं बख्शा तो मुझे क्या बख्शोगे? मुझे समझने की कोशिश करो रिदा, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो, वक्त आने पे मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो जो मैं मांगूंगी वो दोगे? मंजूर है, तुम मांग कर तो देखो। तो हारिस के प्रोजेक्ट को छोड़ दो, मेरे लिए हारिस के प्रोजेक्ट को कुर्बान कर दो, तब मैं समझू कि तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है। क्या हुआ, अब जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है रिदा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इतने खामोश क्यों खड़े हो? बोलो क्या कहना चाहते हो? अम्मी, मैंने हारिस भजन के प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या फिर किसी दुश्मन की धमकी मिली है? जी नहीं अम्मी। तो फिर क्या वजह है? उस प्रोजेक्ट को लेके हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहले हारिस भजन की मौत हुई, उसके बाद मामू जान की, कल पता नहीं किसके साथ क्या हो। क्या तुम्हारे अब्बू ये बात बर्दाश्त कर लेंगे? उन्हें किसी ना किसी तरह समझाना ही पड़ेगा। और अगर वो ना माने तो? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी मजबूरी समझेंगे। चलो अच्छा ही हुआ जो तुमने ये प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला कर लिया। सारा फसाद इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा था। वाह बेटी वाह, कमाल कर दिया तुमने। जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। आप रिदा को हमेशा खामखा डांटते रहते, देखिए आज यही रिदा आपके काम आई। अरे कमाल करती हो, मैं रिदा का दुश्मन थोड़ी ही हूं। मैं तो उसे उसकी अच्छाइयों के लिए डांटता हूं। लेकिन बेटी ये तो बतलाओ कि तुम्हें इसका ख्याल आया कैसे? अबू, मुझे एक अजनबी लड़की का फोन आया था और उसी ने मुझसे कहा कि हारिस का प्रोजेक्ट हासिल कर लो। उसने अपना नाम नहीं बताया? नहीं अबू। लेकिन तुमने उससे ये नहीं पूछा कि इसमें उसका क्या फायदा है? अबू मैंने पूछा था, लेकिन उसने कहा कि इसमें उसका कोई फायदा नहीं, वो बस अली यावर का नुकसान चाहती है। उसके बाद मैं मिस्टर माधवानी से मिली और इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली। इत्तेफाक से मुझे वहां ताहा भी मिल गया और मैंने उसे बेवकूफ बनाकर ये प्रोजेक्ट छोड़ने का वादा भी ले लिया। बस मेरी चाल कामयाब हो गई और मैं कामयाब हो गई।